गुड मॉर्निंग मम्मी। तुमने एनी के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया, मुझसे पूछा तक नहीं। मुझसे इजाजत तो लेनी चाहिए थी तुम्हें। मुझे आपके जवाब का पता था, इसीलिए नहीं पूछा। कैसा जवाब? यही, अगर मैं आपको ये सारी बातें पहले बताता तो आपका जवाब हाँ होता, है ना? क्या पता मेरा जवाब ना में होता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने चहेते बेटे की बेवा का हक उससे दूर नहीं रख सकती, क्योंकि आप एक इंसाफ पसंद औरत और माँ है। मम्मी, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज अपनी आंखें खोलें और देखें कि घर में क्या क्या हो रहा है। बहुत सी चीजें आपकी आंखों से उछल हैं और मेरा यकीन मानें, वो सब आप अपनी समझदारी से ठीक कर सकती हैं। सो प्लीज उन चीजों पे ध्यान दें। खफा है तुमसे और एनी पर इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन तुम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा। और एनी सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हेलो, मैं ये कह रहा था कि कल आप मेरे साथ बैंक चलें, आपका अकाउंट खुलवाना है। वो किस लिए? फिरोज भाई का जितना बैंक बैलेंस है आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। मेरी लॉयर से बात हो गई है। इसकी कोई जरूरत नहीं है अफान। जरूरत क्यों नहीं? फिरोज भाई का बैंक बैलेंस का हक सिर्फ उनकी बेवा और बच्चे पर है, माँ और भाइयों का नहीं है। उन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं। एक्चुअली अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है हमारे पास। देखो अफान, सब लोग मुझसे पहले ही बदगुमान है। अगर मैं ये सब कुछ करूंगी तो ये बात हकीकत हो जाएगी कि वाकई मैंने महरूज से सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी। मैं जानता हूँ कि आपके साथ धोखा किया गया था। आपको तो इल्म ही नहीं कि महरूज भाई आपके लिए क्या क्या छोड़ के गए। ये करने से घर में और दुश्मन बढ़ जाएंगे मेरे। मैं अब किसी से कोई मुकाबला नहीं करना चाहती। आप फिर मुकाबले से घबराने लगी? लेकिन मैं अपनी औलाद के साथ एक पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, अपने बलबूते पर। आप जियेंगी और देखेगा, आप अपने बेटे की बहू भी लेकर आएंगी। बहू? वो भी इतना छोटा है। तुम भी ना कितनी दूर की सोचते हो। सोचो पे किसका बस चलता है। अफान, तुम्हारी इन मेहरबानियों का बदला मैं कैसे चुकाऊंगी? अम्मी बाबा के सामने भी तुमने मेरा सर नहीं झुकने दिया, इसके लिए शुक्रिया। इट्स ओके। तो फिर कल मैं आपको आपकी यूनिवर्सिटी से पिक करने आऊंगा। अच्छा ठीक है। अल्लाह हाफिज। यकीनन वो एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यार करने वाला और बहुत ज्यादा मुखलिस भी है, और दुनिया ने इसी बात का अफसाना बना दिया। तो तुम इस फसाने को नाम क्यों नहीं दे देती? किस बात का डर है? हाँ एनी, शरई और कानूनी तौर पे क्या जुर्म है इसमें? कि तुम क्या बातें कर रही हो? इसीलिए मैं इस टॉपिक पे तुमसे कोई बात नहीं करती। मुझे पता है ना, तुम शुरू हो जाती हो तो चुप नहीं होती। एनी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम्हें खुश देखना, तुम्हें महफूज देखना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और बेवा होने का मतलब ये तो नहीं है कि जिंदगी तुम पे हराम हो गई। हाँ, लेकिन मैं उसके बारे में तो क्या किसी के बारे में नहीं सोच सकती। और तुम्हें पता, उसके क्लास फेलो है, क्या नाम है उसका, सिद्रा। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। लो भाई, तुम्हारी कहानी में तो पहले से ही ट्विस्ट मौजूद है। अब चले? चलो। वैसे ये कब हुआ? बहुत पुरानी बात है। मतलब तुम्हारा पत्ता तो कट गया समझो। वैसे अगर वो किसी और में इंटरेस्टेड है?
तुम्हारे घर वाले तुम दोनों की दोस्ती को लेके गलत रंग क्यों दे रहे हैं? हमारे सिर्फ घर वाले ही नहीं, मुझे लगता है कि आजकल के लोगों की सोच ही इस तरह की है। अगर एक लड़का लड़की की मदद करेगा तो सबको यही लगेगा कि यकीनन इन दोनों का कोई आपस में चक्कर है। पता नहीं हमारे लोगों की सोच ऐसी क्यों है। इंसानियत इस कदर तकसीम पहले कभी ना थी। ये इंसानियत हमेशा से ही ऐसे ही थी। एहसास हमें तब होता है जब हम पर बीतती है। खैर छोड़ो इन बातों को, शहर में लड़कों की कमी नहीं है, मिल जाएगा तुम्हारे लिए कोई हीरो। मैं तुम्हें पहले भी बहुत वाज़े तरीके से बता चुकी हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी और किसी से नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपनी औलाद पर सौतेले बाप का साया मुसल्लत नहीं करना चाहती। इसलिए कह रही थी, चचा भी बाप की तरह होता है। खैर छोड़ो, तुम कहाँ समझोगी, मर्जी तुम्हारी। उसे उमर का चचा ही रहने दो, अब चलो। ठीक है भाई। चलो अब मैं निकलती हूँ। हाय। ये क्या कर रहे हो? क्या है भाई, सिर्फ हाथ ही हिलाया है। तुम नहीं सुधर सकते। देखो अगर वो किसी और में इंटरेस्टेड है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा चांस नहीं है। तुम भी ना हद करती हो। चलो के बाय। ख्याल रखना।